हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो। आज का टॉपिक है फिंगरप्रिंट लॉक को किस प्रकार से सेट करते हैं वो बताएंगे। फ्रेंड्स, मेरे पास है ओप्पो का फोन। और फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको यहाँ देखते हैं पासवर्ड का ऑप्शन, आप उस पर क्लिक कर देंगे। फिंगरप्रिंट पर क्लिक कर देंगे और आपका धीरे रहता है कंटिन्यू का ऑप्शन, आप उस पर क्लिक कर देंगे। और इसके बाद आपको यहाँ देखते हैं 6 डिजिट का पासवर्ड लॉक है। अगर स्क्रीन लॉक नहीं लगा रखे हैं तो ड्रॉ करने का ऑप्शन आएगा, तो आप उस पर क्लिक कर लेंगे। तो आपका पैटर्न लॉक और भी लॉक लगा सकते हैं इस पर क्लिक करने से। तो मैं पैटर्न लॉक ले लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए, एंड पैटर्न लॉक लिए तो आप भी ड्रॉ कर लेंगे। अगर आप लिए तो राइट कंडीशन ड्रॉ कर रही है। और इसके बाद आपका ऐड करने का आएगा, मतलब ऑप्शन आएगा फिंगरप्रिंट ऐड करने का, तो आप ऐड कर लेंगे। अगर पहले से स्क्रीन लॉक लगा रखे तो ड्रॉ करने का ऑप्शन आता है, तो बैक साइड में फिंगरप्रिंट से ऐड कर लेंगे। बाहर टच कर देंगे जब तक पूरा नहीं हो जाता है, कंटिन्यू भी क्लिक कर देंगे, फिर से टच करेंगे बैक साइड में। इस प्रकार से करते जाना और आपका ये सेट हो जाएगा। और इसके बाद फिर से क्लिक कर देंगे और आपका ये सेट हो गया, कैंसिल कर देंगे। और इसके बाद देखते हैं फिंगरप्रिंट लॉक सेट हुआ है, नहीं देख सकते स्क्रीन लॉक लगा हुआ है। और मैं फिंगरप्रिंट से ओपन कर रही, देख सकते फिंगरप्रिंट से ओपन हुआ है। इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में और मदद सेट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आएगा किस प्रकार से फिंगरप्रिंट लॉक को सेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, तब तक के नमस्कार।